देखिए, इस मामले में हमारा सिद्धांत बिल्कुल आसान है कि ईश्वर के लिए यदि आप समय निकालते हैं तो कोई आप बड़ी मेहरबानी नहीं करते हैं ऊपर वाले पे। मेरा मानना ये है कि यदि आप ऊपर वाले के लिए समय निकालते हैं तो वो आपके लिए समय निकालते हैं, यदि आप उनको सम्मान देते हैं तो वो आपको सम्मान देते हैं, यदि आप उनको सर पर बिठाते हैं तो वो आपको सर पर बिठाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुछ तैसा, जब हम इंसानी तौर पर जो हमें प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके अनुरूप हम एक दूसरे को रिटर्न करते हैं तो फिर ईश्वरी सिद्धांत तो ये महान होगा, क्योंकि हमारा ये मानना कि यदि हम जब सम्मान देते हैं तो बड़ा महान होता है, लेकिन जब ईश्वर हमें सम्मान देगा तो कितना महान होगा। जमो शरेंद्र सिंह मेरे दोस्त है, अच्छे मित्र है, बसप पिक्चर कंपनी फैमिली की तरह मेरे लिए, और जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत उनको बोला था हमेशा सिटी में गाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और मैं हमेशा आपने देखा है या म्यूजिक लॉन्च हो फैशन का या सक्सेस हो, मैं हमेशा इधर आया हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं वेल विशर हूँ बसर पिक्चर कंपनी का, मैं उनके साथ ट्रैफिक सिग्नल कॉपरेट पीसडी सी पिक्चर कर चुका हूँ, और मैं विश करूँगा उनको ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से कि जम्बो की सफलता हो। एक्चुअली मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि शैलेंद्र सिंह और नैना सिंह जो है वो फैमिली है मेरी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी जम्बो रिलीज़ होने वाली है और उसके ब्लेसिंग सीख करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आप आ पाओगे? तो आई सेड डेफिनेटली व्हाई नॉट, क्योंकि अगर ब्लेसिंग्स सीख करनी है तो मैं ज़रूर आऊँगी। बड़ा दिन है, ट्यूसडे है और गणपति का दिन माना जाता है, तो उनका दर्शन लेने आए, और शैलेश जैसे मेरे एकदम खास मित्र है और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो आने वाले उनकी जो वेंचर है जम्बो पिक्चर, तो उनके लिए मैं दुआएं मांगने आया हूँ, और गणपति बापा हमेशा हमें हम जो मांगते हो हमेशा देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी है सक्सेसफुल हो, और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जम्बो जो फिल्म है वो एक हाथी के ऊपर है, और हाथी अपने आप में हिंदुस्तान या कहें दुनिया का इतना क्यूट जानवर है, और कि उसे आप चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों आप हर मामले में उसको पसंद करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हाथी हो गए या हम लोग हो गए, तो हम लोग सब गण हैं, तो गण जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो गणपति का आशीर्वाद लेते हैं, तो उस नाते गण हाजिर हुए हैं अपने गणपति के आशीर्वाद के लिए, तो ये बहुत अद्भुत बात है। मैं तो वेट कर रहा हूँ, जम्बो का प्रोमो देख रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ पिक्चर को देखने के लिए। मैं, मेरी डॉटर जो है 2 साल की, वो भी जिद कर रही है मेरे को देखना है पिक्चर, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कब उसका प्रीमियर हो और मैं जाऊँ। बहुत फन फिल्म लग रही है, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि अक्षय जी जो है उनके साथ अभी फियर फैक्टर किया, अब प्रियन जी की दे दनादन उसमें मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो दिस रिलीज इज न्यू राइट नाउ, इट्स गोना बी देयर, सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अक्षय, मुझे लगता है कि आपको पता है कि अक्षय की जिस तरह से आवाज़ है, अभी जिस तरह के कॉमेडी रोल्स भी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ह्यूमर भी होगा। पता नहीं कि ये जम्बो एक्शन करेगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय विल प्ले अ बिग रोल, उसके साथ लारा दत्ता भी है, और सही कई जनों ने वॉइस ओवर दिया है, तो मैं जस्ट 25 तारीख तक रुक रहा हूँ कि ये पिक्चर रिलीज़ होए, और एक बच्चे लोग के लिए बनाई गई है, और मैं चाहता हूँ कि सभी जाके देखें। Log on to www.erosentertainment.com.